अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी शहरोज़। वेलकम बैक टू शहरी के व्लॉग्स। एक नया दिन, नई उम्मीदें और बहुत सारी एनर्जी के साथ हम वापस आ चुके हैं। अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि स्टॉकहोम वापस पहुंच चुके हैं। अभी हम घर जाएंगे, थोड़ी देर फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद जुमा वगैरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद का फिर प्लान देखते हैं। क्या प्लान है? हमजा के साथ शायद कोई प्लान उसने बनाया हो, कह रहा घर जाके सो सारा खाना वगैरह खा के जो भी प्लान करना है, जुमा शुमा पढ़ के, तो फिर देखेंगे क्या करना है। तो अभी तो ब्रो थक चुके हैं, यकीन करो। सीन्स ये हैं कि वीडियोज इतने ज्यादा शॉर्ट्स हैं, उनको एडिट मत वाज गया, रात को मैं सोया भी नहीं सही। बाकी फिर भी नींद ले ली, थोड़ा सा फ्रेश हो गया। तो अब देखते हैं फिर अब क्या बनता है, क्या करना है, क्या होता है, क्या नहीं। मिलते हैं फिर। अभी जा गाइस, जब तक के इलावा मेरा दिल भी मान लो ना। मिर्जा गाओ, इंग्लिश मिर्जा गाओ। जैसे धूप किनारा पे वापिस घर पहुंच चुके हैं। दस्ती पहुंच गए घर, पता ही नहीं चला सफ़र का, क्योंकि कल थके हुए थे और सो गए थे, और जब उठे हैं फ्रेश हुए हैं तो स्टॉकहोम पहुंच गए थे हम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमजा फॉर एवरीथिंग ब्रो। और ये अपने बशिंदे हैं, नफीस ने फिर भी इंजॉय किया है। मिर्जा साहब जी सर, इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत मज़ा आया। ये अभी कह रहा कैमरे में मज़ा आया, कैमरा बंद होते हम तो ही रहता जगह लगा रहे हो। खाना वगैरह हमने खा लिया था, और खाना खा के अभी जुम्मे में बहुत ही थोड़ा टाइम रह गया, फटाफट से हम जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने। और अभी जुम्मा पढ़ने जाते हैं और फिर आके कुछ करते हैं। सामने मस्जिद है ये वाली। Two inches later. यार इसके तो बिजनेस ही नहीं खत्म होते मिर्जा उस्मान के। तो गाइस जुम्मा वगैरह तो माशाल्लाह पढ़ के आ गए हैं, तकरीबन दो महीने बाद, अल्लाह माफ करे वैसे कह रहा हूँ, जुम्मा तो पढ़ के आ गए हैं। और अभी का प्लान यहाँ घर जाते हैं, कुछ चाय वगैरह पीते हैं। मौसम यहाँ का बड़ा थोड़ा सा हमें तो अच्छा लग रहा है, मगर ऐसे मौसम में अगर ज्यादा टाइम रहना पड़े ना तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी टाइप, और जो है ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। ये सीन है अपना, इसके बाद घर जा रहे हैं फिर चाय वगैरह पी के, तो फिर स्की के लिए जाते हैं। अगर तो ओपन हुई कोई और कोई सीन ऐसा हुआ, अवेलेबल हुए इक्विपमेंट्स वगैरह, तो प्लान तो यही है कि स्की के लिए जाएँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। अभी तो 12 बजे हैं, ये 1 बजा है, इतना टाइम क्या करना है। जाते हैं फिर ब्रो, देखते हैं क्या है करने को, चलें। तो गाइस अभी हम चाय वगैरह पी के, खाना शाना खा के, और जो कल का व्लॉग था वो भी देख के निकल चुके हैं। तो अभी अपने बॉयज रोको यार, यार इनको ये बहुत बुरी आदत है, जानबूझ के ना, जानबूझ के चलाएगा, हमेशा ऐसे करता है हमजा। यार ये कितने, मुझे भी क्या इधर ही आना ना, इसने आगे खड़ा हो जाता। हमजा क्यों करते हो ऐसे ब्रो, क्यों करते हो? तो
तो गाइज आज के सीन्स तो कुछ पता ही नहीं क्या करना है, क्योंकि आए थे खाना वगैरह खाया और मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया, घंटा डेढ़ तो रह गया तकरीबन। और अभी हम अपनी गाड़ी भी चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी गाड़ी चार्ज होने में भी तकरीबन हमें घंटा लग जाना है, और मेरा ख्याल है तीन घंटों के बाद वैसे ही जो है वो अंधेरा हो जाएगा। देखते हैं फिर आज क्या करने को है क्या नहीं। ब्रो बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप देखें जरा नफीस को देखें, बड़ी ड्रेसिंग की है। हमजा हारून है अपने साथ, और मिर्ज़ा उस्मान तो माशाल्लाह से ज़रूरत ही नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है, गॉड गिफ्टेड है। गाइज नेक्स्ट मंथ मैंने पाकिस्तान भी जाना है अप्रैल में, और मैंने चॉकलेट्स वगैरह तो लेके जानी थी, मगर बेल्जियम की निस्बत यहाँ पे चॉकलेट्स बहुत सस्ती हैं। झूठ बोल रहा है यार हमजा, सस्ती हैं क्या, झूठ बोल रहा है, यहाँ पे सस्ती है, देखो सस्ती हैं। मैं ले नहीं रहा ना, लेके जा नहीं सकता गाइज, लेके नहीं जा सकता, अदरवाइज ले जाता, क्योंकि वेट नहीं मैं लेके जा सकता। रायनेयर पे सिर्फ मैं एक बैकपैक ये लेके जा सकता हूँ, और देखें कैसे लोग टूटे हुए हैं, पड़ी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं, जिधर दिल करता है जिधर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शरी के व्लॉग्स। तो मैं हम आ गए हैं अब इधर स्की करने, तो देखें अब कैसा हमें मज़ा आता है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ठीक है अब देखते हैं, स्की करने जाते हैं। अब स्नो इधर मिल नहीं रही, लेकिन कहीं पे अब आगे जाके देखते हैं स्नो मिलती है कि नहीं। तो ये आपके शरी साहब मामा मेरा बैल है, मुझे पता था वहाँ से। तो गाइज अब हम पहुंच तो चुके हैं, मगर पहुंचने के बाद अब डर लगने लग गया, कि हमें तो ये था कि थोड़ी किसी कुछ छोटी स्लोप भी होगी, और ये हम देखे हैं छोटी स्लोप तो है नहीं, ये तो पूरा जो है ना बिगनर्स के लिए तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। फिर भी क्या करना है, डर के आगे जीत है करनी तो पड़ेगी। देखे तो सही आप पहले माहौल है क्या, ये देखें गाइज। आखिर सोच के प्लान बन ही गया, क्योंकि टाइम थोड़ा था, मगर कल फिर आया नहीं था जाना, तो हमने कहा कि चलो यार कल ही लेते हैं। पीछे देखो यार हमजा, पीछे देखी बस वो आपके लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा ब्रो, करना पड़ेगा ब्रो। गाइस हमें पंगा ले लिया, मुझे ये हमजा जा रहा है, ये मिर्ज़ा आ रहा है, क्या बात है मिर्ज़े की। गिरूंगा बस मैं गिरूंगा, स्टैंड अप सीधा सीधा रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। टर गए भाई साहब, टर गए यार मोहब्बत वाले। डर तो गाइस बड़ा लग रहा है, बाकी क्या करें, करना पड़ेगा, डर के आगे जीत है, आता मुझे कुछ भी नहीं है। और पीछे ही अपने पसंदे आ रहे हैं, मिर्ज़ा आ रहा है पूरा हैवी प्रो प्लेयर बन के, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाके स्लोप से फिर नीचे जो है ना आऊँगा, अल्लाह करे गिरना तो है ही, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा ना ही गिरूँ, थोड़ा थोड़ा गिरूँ, टाइम थोड़ा था इस वजह से हमने जल्दी में ग्लव्स भी नहीं उनसे पकड़े, कपड़े भी नहीं पकड़े, हमने कहा अब आए हैं एक्सपीरियंस करना तो फटाफट से दे दो। अब पहुँच रहा हूँ मैं ऊपर, हाय गए तो अभी ऊपर आया हूँ, आके बस हो गई है, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, घंटा हो गया खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मिर्ज़ा बड़ा हुआ है, वो मिर्ज़ा बड़ा हुआ है, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, क्या करें, बाकी चलें अब आए हैं तो करना तो कुछ है, देखते हैं। गाइस मुझे लग रहा है मेरी तो बस हो गई है इतने से ही। ये हमजा आ रहा है वापस, वो तो चक्कर लगा के वो वापिस ही आ रहा है, और हमसे एक भी नहीं लगा जी। नासरीन
ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि मिर्ज़ा उस्मान गिर चुका है, उसका स्की उतर चुका है, ये यहाँ पर खड़ा है। और शहरी के ब्लॉग्स के बानी और चेयरमैन शेरोज भट्ट साहब वो यहाँ पर गिरे हुए थे, अभी उठने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड राउंड मारते हैं, देखते हैं इनको भी लेके चलते हैं साथ इंशाल्लाह। ये भी एक स्की जो थी वो बकेट लिस्ट में थी, अल्लाह का शुक्र है वो भी कर ली है, मगर ब्रो मत भज गई है, अब वापस जाना पड़ रहा है। ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं, हमदानी जितना बताया वैसे करके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है पहुंच ही जाएंगे। हमारा तो अभी घंटा लगेगा पहुंचने में, तो फिर आपको तो आपको वहां पे पहुंच के मिलती है। शहर के व्लॉग सब्सक्राइब करें। कि नेक्स्ट टाइम जब करनी हुई मुझे प्रॉपर कोई क्लासेस ही लेनी पड़ेंगी, जारी सी बात है पहली दफ़ा कर रहा हूँ, गिरना तो बनता है। बाकी थक गया हूँ बहुत हैवी वाला, अब इसके साथ खड़ा होना भी एक मुश्किल काम है। बाकी बहुत मज़ा आया, उठ जाओ ना हिम्मत कर। नफीस भाई मैंने तो उतार दिया, मैं क्या मैं टूटता ही टूट जाना। बाकी बड़ा ही मज़ा आया, गिर गिर के बंदा सीखता है, ये भी एक एक्सपीरियंस है, एक इन्जॉयमेंट है, मगर है थोड़ा सा डेयरिंग, थोड़ा सा रिस्की, क्योंकि गिरना पड़ता है आपको बार बार बड़ी स्पीड से बड़ी तेज से, मगर बहुत ही खूबसूरत जगह है, मज़ा आया, पैसे पूरे किए हैं इसने। अब मैं जाते हैं उधर, रखते हैं रूम में, मेरा इंतज़ार कर रहा है उधर, वापस करके ये सारे इक्विपमेंट्स गाड़ी में बैठ के थोड़ा सांस लेते हैं, भूख भी थोड़ी जोरों की लग चुकी है। तो गाइस सारी इक्विपमेंट्स वगैरह वापस दे के, और अब मेरा सर दर्द होने लग गया, सर बड़ा जल्दी दर्द होता है, पता नहीं क्या वजह है, तो थक चुका हूँ मैं, तो इनका पता नहीं है। और अब हम वापस आ गए हैं, वापस अब हम जा रहे हैं, किधर जाना है देखते हैं, किधर जाना है, क्या प्लान है, जिधर भी गए आपको साथ साथ तो ले के जाएंगे। फीस आज इतना अच्छा तो लग रहा है, फोटो तूने एक भी नहीं बनवाई ब्रो, अब रात हो गई, अब क्या बनानी है। सो गाइस अब स्की करने के बाद भूख बहुत ही ज्यादा लग गई थी, और वैसे भी कुछ घूमना फिरना कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो अभी हम आए हैं शिस्ता। शिस्ता एक शॉपिंग मॉल है यहाँ पे, बड़ा ही खूबसूरत है यार। ऐसा शॉपिंग मॉल बेल्जियम में क्यों नहीं है, कोई होगा बेल्जियम में है क्या ब्रो? ब्रो ऐसा ना को बेल्जियम वालों के सेंटीमेंट हर्ट हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है। मगर यार ऐसा कोई नहीं है मॉल वहाँ पे, क्यों नहीं है ब्रो? ये यहाँ का सबसे छोटा है, सबसे नॉर्मल, ये एक मोहल्ले का शॉपिंग मॉल है। और कौन सा यहाँ पे बताओ ना ब्रो, अब इतनी भी ना बताओ, इतनी भी बातें ना सुनाओ हमें, यही बात है, बेल्ज लोग ज्यादा खूबसूरत है पता है।
गाइस अभी हम आ चुके हैं एक सेकंड हैंड स्टोर में। ये जो ये देखे ना माशाल्लाह से नफीस ने कोट पहना हुआ है, मगर ये यहाँ से नहीं लिया इसने, ये ऐसा ना समझे कि ये जैसे लगे हुए हैं, वो ब्रांडेड है, नफीस बंदा ही ब्रांडेड है ब्रो, बाकी तो ये समझदार हो। उनसे पूछो बंदे भी रहा देने सेकंड हैंड, इसको भी लगा दो। और अब हमजा जो है ना वो उसकी मेहमानवाजी जो है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। खाना खाने के बाद मैंने उसको कहा भी कि कोई ज़रूरत नहीं, नफीस ने भी कहा कोई ज़रूरत नहीं, मिर्जे ने भी क्या कहा हाँ ठीक है कि ये खाने च, तो फिर उसने कहा जी हम चलते हैं, एक दोस्त भी है हमारे भाई अपने आए हुए हैं, तो हम अब आए हैं यहाँ पे लेमन गार्डन। तो गाइस यहाँ पे बैठे सब लोगों को तो आप जानते हैं, ये अपना मिर्जा है ये अपना नफीस, हमजा, हरून और यहाँ पे अपने मार ब्रो हैं मिर्जे का आपने स्टेप मारना है तो गाइस अपने जो मार ब्रो हैं वो गुजरांवाला से ही हैं, जैसा कि हम डस्का से हैं, और जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ गुजरांवाला में, मैं आपको सीधा बताता हूँ, सेटलर टाउन से हैं मगर बोर्न यहाँ के हैं, स्वीडन के हैं, जानो तो बड़ा एड्रेस नहीं देना वही मैं चुप कर गया हूँ, मैंने कहा एड्रेस ही ना बता दूं तो अभी ये सिमजाक तो चलता रहेगा, आने का हम वेट कर रहे हैं, खाना आता तो फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस खाना वगैरह खाया है, खाना वगैरह खा के हम घर जाने लगे थे, और रास्ते में फिर हमजा को कुछ याद आया, हमजा ने कहा कि यार एक जगह से व्यू बड़ा अच्छा आता है तो वहाँ पे जाना है, मैंने कहा चलो चलते हैं, नफीस की असाइनमेंट थी वो गाड़ी में बैठ के असाइनमेंट कर रहा है, और हम अब ये देखें माउंटेन है, पहाड़ है, आ जाए गाइस, आ जाओ अरुण, ओए 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 मिर्जे मिर्जे तेरा स्पेयर पार्ट भी नहीं लगना मामा, कोई भी नहीं दे रहा, खुद ही तू गिर रहा है, ये वीडियो बनी है, वीडियो बनी, मिर्जे तेरा स्पेयर पार्ट भी नहीं लगना, ला दे बंदे तेरे ना काम ही मार गए ने तेनू ते किसे कुछ डोनेट भी नहीं करना मिर्जे। तो गाइस ऊपर आ गए हैं हम टॉप पे, और क्या बताऊं आपको, देखें थोड़ा सा व्यू, अब बहुत ही थक गया हूँ आज भी, घूमा काफ़ी है माशाल्लाह, घूम फिर लिया, स्की वगैरह की है, ज़रा टांगे वगैरह दर्द कर रही हैं, गोडे की थोड़े से दोहरे ने, तो आज मुझे इजाज़त दें मिर्जे के सोन के साथ, तो कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, कल हमारा लास्ट डे है, कल वापसी की फ़्लाइट भी है, तो अल्लाह खैर करे, फिर दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, अल्लाह हाफिज़, बाय मिर्जा, गो 3:28 AM। कुछ नहीं गाइस, रात के 2 बजे का टाइम है, अच्छा वाला सो रहा था मैं, अपने नफीस ब्रो को नींद नहीं थी आ रही,
और नफीस ने हमजा को भेजा अंदर। हमजा ने कहा यार हम जा रहे हैं जंगल में, अब ये देखें ये जंगल है, ओ माय गॉड, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। फ्लैश लाइट ऑन कर दूं तो नजर क्या आएगा? ऑफ कर दो, दो आंखें नजर आएंगी आपको किसी चीज़। ऑफ कर दो बेहतर नजर आ रहा। सीन ये है कि अब तो कुछ नहीं, अब जंगल में बस चल पड़े हैं। अल्लाह खैर कर सी इंशाल्लाह।